हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं जय, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजुअल क्लास से यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं 17 नवंबर करंट अफेयर वीडियो को। साथ में देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारे करंट अफेयर के 611 नंबर वीडियो को क्वेश्चन एक के साथ। हाल ही में बांग्ला फिल्म के किस प्रसिद्ध अभिनेता का 85 वर्ष की आयु की उम्र में निधन हो गया, तो किन का हुआ है? वो है सौमित्र चटर्जी का। मशहूर जो बंगाली अभिनेता हैं सौमित्र चटर्जी, उनका 15 नवंबर 2020 को निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे और 85 वर्ष के थे। पिछले कई महीनों से उनके स्वास्थ्य खराब चल रहा था। सौमित्र चटर्जी का जन्म 19 जनवरी 1935 को पश्चिम बंगाल में नादिया जिले के कृष्णा नगर में हुआ था। उनकी प्राथमिक शिक्षा कृष्णा नगर में ही हुई थी। स्कूल में पढ़ने की उम्र में से ही सौमित्री ने एक्टिंग शुरू कर दी थी। सौमित्री चटर्जी ने 200 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। उन्होंने जाने माने निर्देशक सत्यजीत रे की फिल्म अपू संसार से अपने क्या फिल्मी करियर की क्या शुरुआत की थी। फटाफट देखेंगे रिविजन, लास्ट डे के क्वेश्चन के साथ रिविजन करेंगे। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल ने किस देवी या भगवान के नाम पर सोने और चांदी के सिक्के जारी किए हैं, तो किन के नाम पे किए? वो किए हैं माता वैष्णो देवी के नाम पे। सरकार ने एक आदेश जारी किया और जिसके तहत ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के किस कॉन्टेंट को सूचना व प्रसारण मंत्रालय के तहत लाया जाएगा, तो वो लाया जाएगा फिल्में, ऑडियो विजुअल और करंट अफेयर्स को। दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन यानी 30 मीटर टेलीस्कोप TMT परियोजना में भारत के वैज्ञानिक ने किस भौतिक जो नोबल विजेता के साथ काम किया, तो वो किया एंड्रियो घेज के साथ। स्वामी विवेकानंद की एक आदमकद प्रतिमा है, उनका उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, तो वो किया गया नई दिल्ली के अंदर। किस मंत्रालय ने असंगठित श्रमिकों के राष्ट्रीय डेटाबेस के निर्माण की जो है मंजूरी दी है, तो वो दिया वित्त मंत्रालय ने। हाल ही में खबरों में नजर आने वाले मेगा स्कोप को किस संगठन ने लॉन्च किया, तो वो क्या है IIT एलुमनी काउंसलिंग ने। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दो, क्वेश्चन नंबर दो है, हाल ही में किस देश ने भारत से 50 मैट्रिक टन जो है खाद्य सहायता प्राप्त किया, तो किसने किया है? वो किए जीबूती ने। किसने? जीबूती ने। भारत ने प्राकृतिक आपदाओं और COVID-19 महामारी से निपटने के लिए मित्र देशों को सहायता के लिए अंतर्गत जो जिबूती है उसकी जनता के लिए 50 मैट्रिक टन खाद्य सहायता उपलब्ध करवाई है। और विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि ये कदम सागर दो यानी क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और वृद्धि की एक हिस्सा है। इसके जरिए भारत सरकार इस क्षेत्र में मित्र देशों को 270 मैट्रिक टन की मानवीय सहायता उपलब्ध करा रही है। जिबूती पूर्वी अफ्रीका में बसा एक देश है जिसकी सीमाएं उत्तर में इरिट्रिया से, पश्चिम और दक्षिण में इथोपिया से, और पूर्वी दक्षिणी पूर्वी में सोमालिया से क्या मिलती है। ये अफ्रीकी देश है। फटाफट इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। अमेरिका जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की कितनी कंपनियों में अमेरिकी निवेश को प्रतिबंधित करने वाले कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, तो कितनी पे किए हैं? वो कि 31 पे। कितनी पर? 31 पे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की 31 कंपनियों में अमेरिकी निवेश को प्रतिबंध करने वाली एक कार्यकारी जो आदेश है उस पर हस्ताक्षर किया। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि इन कंपनियों का स्वामित्व या नियंत्रण चीनी सेना के पास है। इस आदेश के मुताबिक चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की कंपनियों में किसी भी रूप में निवेश करने वाली प्रतिभूतियों की खरीद पर क्या प्रतिबंध लगा दिया गया है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस, राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है, तो किस दिन मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 16 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 16 नवंबर को जो है प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जो प्रेस दिवस है वो मनाया जाता है। यह दिन देश में स्वतंत्र और जिम्मेदार जो प्रेस है उसकी मौजूदगी का एक प्रतीक है। भारत में प्रेस को वॉच डॉग और प्रेस परिषद इंडिया को मॉरल वॉच डॉग कहा गया है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पत्रकारों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से स्वयं को फिर से संक्रमित करने का अवसर प्रदान करता है। प्रथम प्रेस आयोग ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा और पत्रकारिता में उच्च आदर्श कायम करने के लिए उद्देश्य से एक प्रेस जो है प्रेस उसकी कल्पना भी की थी।
संयुक्त अरब अमीरात यानी यूई ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीजा को जारी करने की घोषणा की है। उसकी अवधि कितने वर्ष होगी, कितनी होगी, वो होगी 10 वर्ष। कितनी होगी? 10 वर्ष। जो गोल्डन वीजा होगा उसकी अवधि कितनी होगी? 10 वर्ष। इसमें पीएचडी डिग्री धारक, चिकित्सक, इंजीनियर और विश्वविद्यालयों के कुछ खास स्नातक शामिल है। यूएई प्रतिभाशाली लोगों को खाड़ी देश में बसने, राष्ट्र निर्माण में उनकी मदद पाने के लिए गोल्डन वीजा जारी करती है। गोल्डन वीजा विशेष डिग्रीधारियों को भी दिया जाएगा, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, महामारी विज्ञान जैसे क्षेत्रों के विशेषज्ञ भी इसके अंदर क्या है, शामिल होंगे। देखेंगे आज का जो सवाल आपके लिए, और इस जिसका आपको फटाफट आंसर देना है नीचे कॉमेंट के द्वारा, और सही आंसर देने वाले सभी विजेताओं के जो नाम है वो अगले वीडियो के अंदर आप सभी के साथ साझा किए जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है इस वीडियो का, वो देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान जो है यानी ITRA उसका उद्घाटन किया। तो किस राज्य के अंदर किया है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने कुछ इस प्रकार है: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल या गुजरात। निम्न में से किस राज्य में नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान है उसका उद्घाटन किया? तो फटाफट हमने आंसर दे दें: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, केरल और गुजरात। हाल ही में किस संस्थान ने भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो क्या, WHO। किस संस्थान की है? WHO ने। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। भारत में एक वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कि कहा कि भारत जिस तरह वैश्विक औषधि निर्माता देश के रूप में उभरा है, उसमें WHO के इस वेलनेस केंद्र से उसकी साख और मजबूत होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद और जयपुर में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है उसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था। और ये संस्थान क्या, देश के सबसे अहम आयुर्वेद संस्थानों का स्वरूप लेंगे। वर्ल्ड मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है तो आपको बताना है। सही आंसर इसका क्या होगा? 14 नवंबर। 14 नवंबर प्रतिवर्ष क्या, 14 नवंबर को क्या है, मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मधुमेह के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना है। विश्व मधुमेह दिवस 2020 है, उसका विषय क्या है, द नर्स एंड डायबिटीज। पहला विश्व मधुमेह दिवस 1991 में मनाया गया था। मधुमेह दिवस में अंगनाश द्वारा क्या इंसुलिन है उसका स्त्राव कम हो जाने के कारण होती है। मधुमेह किस कारण होती है, कि अग्नाशय द्वारा जो है इंसुलिन है उसका स्त्राव क्या है, कम हो जाता है, उसके कारण क्या है, मधुमेह रोग हो जाता है। और इसकी जो है मधुमेह दिवस मनाने की घोषणा कब से हुई थी, 1991 से। फटाफट क्या देखें, मोस्ट इंपोर्टेंट स्टडीज के क्वेश्चन को देखेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, तानसेन सम्मान जो सम्मान है वो सम्मान किस सरकार द्वारा स्थापित किया गया? तानसेन जो पुरस्कार है किस सरकार द्वारा स्थापित किया गया है? तानसेन जो समारोह है वो तानसेन संगीत समारोह प्रत्येक वर्ष क्या है, दिसंबर महीने में मध्य प्रदेश में के ग्वालियर जिले के बेहट गांव में मनाया जाता है। तो किस सरकार के द्वारा है, ये एमपी सरकार द्वारा, एमपी सरकार द्वारा स्थापित है। और इस कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग अकादमी द्वारा तानसेन की जो कवर है उसके निकट किया जाता है। इसकी इनकी कवर है वो है बेहट गांव में मनी हुई है, ग्वालियर जिले के जो है बेहट गांव है उस गांव में इनकी जो है तानसेन की कवर है उसके निकट में जो है ये समारोह होता है, ये इस कार्यक्रम का आयोजन होता है प्रतिवर्ष दिसंबर माह के अंदर। कौन प्यार से भारत के ग्रेट ओल्ड मैन के रूप में जाने जाते हैं? तो कौन जाने जाते हैं, वो है दादा भाई नौरंग जी। दादा भाई नौरंग जी जिनका जन्म कब हुआ था, 4 सितंबर 1825 और उनकी मृत्यु हुई थी 30 जून 1917 के अंदर। वो भारत के पिता माह के रूप में जाने जाते हैं। एक फारसी विद्वान, शिक्षाविद, सूत के व्यापारी और एक शुरुआती भारतीय राजनेता और सामाजिक नेता भी थे। सीवी रमन को भौतिक के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो कब मिला था सीवी रमन को, वो मिला था 1930 के अंदर। कब मिला? 1930 के अंदर। और प्रथम ऐसी जो प्राप्तकर्ता है नोबेल पुरस्कार वो है रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको मिला था 1913 के अंदर। साहित्य के अंदर पुरस्कार मिला था ये। सीवी रमन को मिला था भौतिक के अंदर 1930 के अंदर। मदर टेरेसा को मिला था 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस शहर
नोबेल में शांति पुरस्कार से सम्मानित हुआ है। जो शांति का पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार, वो किस शहर के अंदर दिया जाता है? तो किस में दिया जाता है? वो दिया जाता है ओस्लो नॉर्वे में। ओस्लो नॉर्वे में क्या है, नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भौतिक रसायन विज्ञान और भौतिक चिकित्सा और साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार है, आर्थिक विज्ञान में जो पुरस्कार है वो कहाँ दिया जाता है? वो दिया जाता है स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर। यानी जो एक केवल जो है शांति पुरस्कार है नोबेल का, वो दिया जाता है ओस्लो नॉर्वे में। बाकी जो भी नोबेल पुरस्कार है वो दिए जाते हैं स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर। अंतरिक्ष एजेंसियों में से किसने लिसा खोजकर्ता शुरू किया, किसने किया वो किया? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने, जो इसे अल्बर्ट आइंस्टीन की गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए लिसा पाथफाइंडर लॉन्च किया। लिसा पाथफाइंडर फ्रेंच गयाना के कोरियो में स्पेस पोर्ट से एक वेगा रॉकेट पर विस्फोट किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 6। पोप बेनिडिक्ट गेप्ट द्वारा साधुता यानी संतपान प्रदान किया जाने वाले भारत की प्रथम महिला थी, तो वो कौन थी? वो थी सेंट अल्फेसा, जिनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1911, सॉरी 10 को, और उनकी मृत्यु हुई थी 28 जुलाई 1946 के अंदर। एक सिरो मालाबार एथलीट फ्रांसिस ननन था, जो अब एक संत के रूप में सम्मानित है। सिस्टर अल्फेसा पोप बेनिडिक्ट 16वें द्वारा एक संत के रूप में 2008 में विमोचित होने वाले पहले मूल भारतीय बन गए हैं। आगे देखें पिछले वीडियो का क्वेश्चन और सही आंसर देने वाले सभी विजेताओं के नाम। क्वेश्चन क्या था पिछले वीडियो का, कि संतमान लिंबू, जिनका हाल ही में वो निधन हुआ है, वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, तो किसके थे? वो थे सिक्किम के। और उनके जो मुख्यमंत्री काल था वो था लगभग 6 माह का। कितने का? 6 माह का। और जो आज की मोटिवेशन लाइन है वो है कि जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए कि गलती उन्हीं से होती है जो प्रयास करते हैं। जो लोग बैठकर बातें मनाते हैं सिर्फ वही लोग क्या है, असफल नहीं होते हैं। और सही आंसर देने वाले जो विजेता हैं पिछले वीडियो के, उनमें पहले स्थान पे है विजेंद्र कुमार, दूसरे पे है निशी शर्मा, तीसरे पे है मुन्ना कुमार, राकेश सेन डुडू, जैन शर्मा, नेहा तंवर, सपना कुमारी, जयदी वर्मा, प्रकाश बावरी, चंदन कुमार, परंजन साहिल, दुर्योधन साय और नारायण गराचिया जी। आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामना। उम्मीद करें वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। और नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।